अभी हम मसूरी में करने वाले हैं एंड लिटा दिया उड़ती फिरू मस्त मगन सो ये है दिन का माहौल माल रोड माल रोड पे बहुत जगह है नई जगह है मसूरी मसूरी देख सकते हैं आप यहाँ पे मौसम कितना बढ़िया हो रहा है तो बाइक करने वाले स्टार्ट और अभिषेक आ गया है यहाँ पे तो अभिषेक कहाँ चलना है मसूरी मसूरी जाओगे कहीं और देहरादून ऋषिकेश मसूरी चल रहा है मसूरी चल रहे हैं चलो अब सीधा मसूरी चलते हैं ऐसे पहुँचने वाले हैं देहरादून यहाँ से 4 किलोमीटर और रास्ते में हमें मिली है बहुत प्यारी लोकेशन आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी प्यारी लोकेशन है अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकिएगा बहुत ही प्यारे फ़ोटो आ रहे हैं यहाँ पे अभी हमने क्लिक करा ली आपको दिखा भी देंगे एक आध फोटो हम बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं और लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फ्रंट कैमरे से ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लोकेशन है पूरे पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ ये देख सकते हैं आप तो अभी हम चलते हैं अभी हमें जाना है मसूरी तो अभी काफ़ी दूर है कितनी दूर है मसूरी 36 किलोमीटर अभी जाना है हमें तो चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं मसूरी में मसूरी में करने वाले हैं एंटर और यहाँ पे लग रहा है टोल जो गाड़ियों का टोल लग रहा है वो लग रहा है 60 रुपये का और बाइक का भी टोल है यहाँ पे बाइक का टोल है 12 रुपये का 12 रुपये का टोल आप 12 रुपये का टोल है आपको तीन है बादल है और बादल में जाना पड़ेगा हमें 1200 भी दे देते बादल के लिए तो बादल में जाना पड़ेगा वाटरफॉल एक यहाँ मिला है एक वहाँ मिला है मसूरी 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 बादलों में आ गई ये रे बादल पेड़ के नीचे हल्की चल भाई हल्की चल पहली बार आया तू हल्की चल फाइनली पहुंच चुके हैं बादलों में जो हमें नीचे से दिख रहा था बादल हम उसके पास में है बिल्कुल अब नीचे से देखेंगे तो जहां हम खड़े हैं वहीं दिखेंगे बादल और रास्ते में भी दिखाए आपको बादल मैंने और एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूं व्यू आप यहां पे आ चुके हैं बादल और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की इसलिए हमने फिर से रुक गए वरना हम आगे जा रहे थे और तो अभी बारिश रुक जाएगी फिर जाएंगे अगर नहीं रुकती है तो फिर देखते हैं क्या करना है समा बांध दिया भाई मौसम ने एक नंबर मज़ा आ गया और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ बादल ओ भाई बादलों में आ गए बादलों में आ गए भाई सकते हैं आप यहाँ पे मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ओए हाय मज़ा आ गया कसम से मसूरी आके तो इस मौसम में बादल आपको शायद नज़र ना रहे हो लेकिन बीच में जो मौसम है ये वाला ओए हाय ब्लैक वाइट फिर ब्लैक आहा और ये बादल यहाँ पे नीचे ही बादल आ रहे हैं पूरे ओह अभिषेक
क्या क्या जगह है यार, मेरे तो समझ से बाहर हो रही है, समझ से बाहर हो गई भाई। क्या चीज है ये चीज देखियो, ये खतरनाक चीज है भाई। ये जो मौसम मिला है ना हमें, एक नंबर आपको मौसम, और देखिए अब कितनी तेज बारिश हो गई यहाँ पे, अचानक से एकदम बहुत तेज बारिश हो गई है, और हम भीग भी गए, अभिषेक भी भीग गया, मैं भी भीग गया हूँ। ऐसा मौसम तो मैंने आज तक नहीं देखा, जो ये मौसम देखा है ना मैंने आज तक, बादलों के ऊपर बिल्कुल, ये मैंने आज तक नहीं देखा। और इसी मौसम में हो चुकी है बारिश पीछे हमारे, और हमारे हाथ में आ गई बारिश होती चाय, और यहाँ हम सामने ले रहे हैं क्या, बादल आ चुका है यहाँ पे, अब कम से कम 2-3 घंटा तो बारिश होनी है यहाँ पे। सो भाई बारिश जो है बिल्कुल भी नहीं रुकी है दोपहर से, और हमने 2 घंटा वेट किया कि बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए। हम मसूरी से 6 किलोमीटर पीछे थे, और 2 घंटा हमने वेट किया बारिश रुकने का, लेकिन बारिश नहीं रुकी, और हम बारिश में आ गए भीगते हुए। और यहाँ पे हो रही है ठंड बहुत ज़्यादा, देख रहे हो तो आप, कोहरा भी निकला मेरे मुँह से, तो भी ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो अभी चलते हैं रूम लेते हैं और चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो अभी रूम पे से चेंज करके आ गए हम मॉल रोड पे मसूरी के, और अभी हम यहाँ पे थोड़ा घूमने आए हैं, बहुत देर हो गई थी हमें होटल पे, तो अभी यहाँ पे देखते हैं। और अभिषेक भी व्लॉग कर रहा है अपना। अरे मॉल रोड पे बहुत जगह है, नई जगह है, अरे नई जगह है, तो आपको दिखाते हैं अभी मॉल रोड यहाँ का मसूरी का, और दिखा देते हैं एक बार नाइट व्यू। ये देख सकते हैं आप पीछे मेरे, लाइट चल चुकी है पूरे शहर की, और दिखा देते हैं आपको एक बार फ्रंट कैमरे, कैमरे में इतना नहीं दिखाई दे रहा जितना मुझे रियल में दिखाई दे रहा है। ये बहुत प्यारी लाइटें लग रही हैं, और पूरे में लाइटें ही लाइटें, आहा मज़ा आ गया नाइट व्यू में। और ये है मॉल रोड मसूरी का, और ये मॉल रोड है मसूरी का, और देख सकते हैं आप यहाँ कर रहा है अभिषेक ब्लॉगिंग। इसका चैनल है ओए अभी करके, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जाके देख सकते हैं, ये भी ब्लॉग डालता रहता है। और ये है मॉल रोड, और यहाँ पे कुछ बना हुआ है जो मुझे पता नहीं क्या बना हुआ है, नहीं जगह है, नहीं जगह, अरे नहीं जगह है, अरे नहीं जगह है, बैंड स्टैंड, ये क्या होता है पता नहीं, बैंड स्टैंड क्या है। So, ये मॉल रोड पे बनी हुई है यहाँ पे त्रिमूर्ति, और यहाँ पे जगह नहीं है, नई जगह है। अच्छा यहाँ पे बापूजी भी हैं, और यहाँ पे बापूजी खड़े हैं झंडा लेके। थोड़ा अंदर चलते हैं मॉल रोड पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे मसूरी में। सो मॉल रोड के अंदर का आपको दिखा देते हैं, अभी काफ़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप, और खाने पीने का भी यहाँ पे सामान है, तो दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा। सो ये है अंदर अंदर की मार्केट, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, शॉप वगैरह हैं, और आगे चलते हैं वो भी दिखाते हैं आपको। सो ये है मॉल रोड की और शॉप्स, थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग, फिर चलते हैं अपने रूम पे, खाना भी खाना है हमें। हमने रूम लिया है, वो लिया है हमने 700 रुपये का, और जो मिनिमम यहाँ पे रेट है रूम का मॉल रोड के पास, 200 मीटर की दूरी पे मॉल रोड है, 700 रुपये का हमें रूम मिला है, 2 बंदे हैं, हमने ज़्यादा बड़ा रूम नहीं लिया, छोटा ही रूम लिया है, तो आपको रूम दिखा देते, 700 में हमें रूम मिला है, और चलते हैं अपने रूम पे। होटल की एंट्री, और अभी हमें और नीचे जाना है, क्या है सर, क्या क्या चार्ज के रूम है आपके पास, चार्ज बढ़िया है, क्या क्या है, 700-800 और मतलब जैसे कोई आना चाहे आपके पास रूम के लिए, कार्ड दिखा दीजिए अपना, दीजिए बस। तो ये है यहाँ का होटल का कार्ड, आगमन हॉलिडे, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 700 में रूम मिल जाएगा, माल रोड के बिल्कुल पास में है, 200-300 मीटर की दूरी पे ही है, और यहाँ पे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कांटेक्ट नंबर ये रहा। तो चलते हैं हम अपने रूम पे, लीजिए सर, थैंक यू। हमारा रूम जो छोटा है, 2 बंदों के हिसाब से बहुत बढ़िया है, यहाँ पे टीवी भी है, और गर्म पानी की सुविधा भी है, एसी भी है यहाँ पे, और विंडो सुबह में खोल के दिखाएंगे आप लोगों को। और यहाँ खड़ा है अभिषेक, और यहाँ हूँ मैं, और ये है वॉशरूम यहाँ का। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगली सुबह हो चुकी है मसूरी में, तो अब रूम हमने कर लिया है चेकआउट, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 11, तो अभी हमारा जाने का है कैंप टिप फॉल में, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी,
यहाँ तो कल दोपहर से रात तक पूरी बारिश हुई है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। तो अभी चलते हैं कैंपटी फॉल और वहाँ का थोड़ा कवर करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कैंपटी फॉल में क्या हाल हो रहा है इस टाइम। तो पर ये दिन का माहौल है मॉल रोड का, मैंने दिन रात में भी दिखाया था एक बार आपको, और ये दिन में है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं अब दिखेगा आपको थोड़ा व्यू रात में जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, रात में लाइटें चल रही थी लेकिन अब दिखाई दे रहा बढ़िया वाला व्यू। ये माल रोड पूरा कड़ाके की धूप निकल ली अभी, लेकिन उधर देख सकते हैं आप पास में ही पूरे बादल इधर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर फिर से बारिश पड़ने वाली हो सकती है, पूरे बादल ही बादल इधर आ रहे हैं। तो निकलते हैं फिर जल्दी यहाँ से। आ चुके हैं कैंपटी फॉल की मेन मार्केट में और यहाँ से जो जाएंगे हम कैंपटी फॉल के लिए नीचे, तो काफी ज्यादा नीचे यहाँ से अभी चलते हैं। सो ये है कैंपटी फॉल के लिए मार्केट, नीचे जाने के लिए रास्ता गिर जाएगा, अभी काफी नीचे है कम से कम। रास्ता जा रहा है अभी आप देख सकते हैं, ये है कैंपटी फॉल यहाँ पे, तो अभी नीचे जाना है हमें। और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, थोड़ी पूल वगैरह भी है, बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे, तो चलते हैं अभी नीचे। पहुँच चुके हैं हम कैंपटी फॉल के बिल्कुल पास और यहाँ से एक बार देख लेते हैं, और ये रहा कैंपटी फॉल का नज़ारा। ओए हाय चलते कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल। तो यहाँ आ चुके हैं हम बिल्कुल नीचे और ओए होए जो पानी उड़ के आ रहा है मजेदार, ओए होए हवा इतनी तेज चल रही है ना, पानी भी मोबाइल पे आ रहा है। और ओ भाई ओ नहाएंगे तो सही। अभी आ गए हम कैंपिंग वॉल में, नहाने अभी तो मना कर रहा है नहाने के लिए, थोड़ा आगे चलते हैं। प्लानिंग के लिए अभी देखते कैसे भेजते हैं इनको, लिटा दिया। भाई को डर लग रहा है वापस आ गए पूरा रेडी सप्लाइनिंग के लिए। इसको सेफ्टी बेल्ट पहना जा रही है अभी। तैयार हो आप? यो पंछी बनो उड़ती फिरू मस्त मगन में, आज मैं आजाद फिरू उड़ती गगन में। भाई साहब अलग ही मंदिर हो गया आप लोग। ओ भैंसिया ये तो बहुत ऊंचा है। ओ भाई साहब मौज कर दी, मौज कर दी, मौज कर दी। ये 5-10 सेकंड बहुत ज्यादा थे,
मेरे को तो प्रेम भाई तो डार नीचे। तो यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, अब चलते हैं ऊपर की और अब फिर खाना वाना खा के चलेंगे घर। और रास्ते में भी आपको व्यू दिखाएंगे तो यहाँ तो भाई बहुत मजा है, जब वाटरफॉल जो है हर ठंडा पानी यहाँ का, वो जिप लाइनिंग और बोटिंग वगैरह भी, स्विमिंग पूल भी था आगे लेकिन हमने किया नहीं। तो अभी चलते हैं ऊपर और खाना वाना खाते हैं फिर निकलते घर की तरफ। रेस्टोरेंट पे अभी कुछ खाना है हमें, भाई ने जो बोला था कि बाइक यहाँ पार्क कर दो बाकी फूड फ्री है, और हेलमेट की सेफ्टी भाई ने कर ली थी हमारे। तो भाई खाने में क्या क्या होगा तेज बोलो। मैंने कहा कढ़ाई पनीर हो जाएगा, शाही पनीर हो जाएगा, मटर पनीर हो जाएगा, दाल फ्राई वगैरह हो जाएगी, रोटी सब्जी हो जाएगी, सभी हो जाएगा। शर्मा रहे हो चलो देखते हैं मेन्यू देख लेते हैं, भाई तो शर्मा रहे हैं। खाना ऑर्डर किया है हमने अभी यहाँ पे करी दाल मखनी, और दाल मखनी देखिए कैसा है ये दाल मखनी आई है एक बाल्टी में, और ये हमें कटोरी अलग से दी गई, इसमें सर्व करके हमें खाना है, और रोटी ये है बटर रोटी, और ये दाल मखनी जो है 160 की हमें पड़ी है। तो चलिए खाते हैं खाना और चलते हैं आगे फिर देखते हैं। सो खाना हमारा अभी हो चुका है, अब चलते हैं दिल्ली की ओर, अभी कैंती फॉल में फिर मसूरी 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, उसके बाद देहरादून ऋषिकेश होते हुए सीधा निकलेंगे दिल्ली। और हमारा स्पीकर हमारे पास आ गया है, इसमें बजेंगे गाने, पछते हुए जाएंगे, अभिषेक बजाएगा गाने। आसमान की ऊंचाइयों में है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, अरे कोहरा ही कोहरा, बारिश ना हो जाए बस यहाँ पे। ओ भाई साहब भाई, और अभी हम घर की तरफ ही जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं हम। और मानव जाति इतनी क्रिएटिव हो गई है कि इस पहाड़ में से जो पानी आ रहा था उसमें बॉटल लगा दी है ताकि ये टंकी बन जाए और ये एक लाइन में आ जाए। सही है भाई, सही जुगाड़ करा जिसने भी करा। सो भाई अभी एक और रेस्टोरेंट पर रुके हैं चाय पीने के लिए, अब जा रहे हैं घर। तो इस व्लॉग को कर देते यहीं पर एंड, और मिलते फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, अभी तक तो चैनल को कर दिया होगा आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर ना, करो ना, तुम भी परेशान हो हम भी परेशान है, करो ना। मिलते रहेंगे आपसे ऐसी मजेदार ब्लॉग में, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और ये